क्वेश्चन है, तो इसमें हम LHS पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तब ये हमारा RHS आएगा। तो x प्लस फोर टू एक्स, टू एक्स और ये टू एक्स, एक्स प्लस फोर टू एक्स और ये टू एक्स, टू एक्स, एक्स प्लस फोर। अब देखिए इसमें हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस फोर, 5x प्लस फोर, सब जगह पर 5x प्लस फोर ही आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2x, 2x और ये x प्लस फोर, 2x और ये 2x, x प्लस फोर। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट रो से 5x प्लस फोर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5x प्लस फोर जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और ये 2x, 2x और ये x प्लस फोर, 2x और ये 2x, x प्लस फोर, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे c1 tends to c1 minus c2 and c2 tends to c2 minus c3। सो उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस फोर तो हमारा बाहर लिखा हुआ है और ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस फोर हो जाएगा और ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारा हो जाएगा फोर माइनस एक्स और ये भी जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर और वन और ये टू एक्स, एक्स प्लस फोर। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं इसको यहां से एक्सपेंड कर रहा हूं तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स प्लस फोर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर और ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर आ रहा है, देखिए a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर जब आप करेंगे किसी भी वैल्यू जिस पर कि हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो चाहे x माइनस फोर लिखो चाहे फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, x माइनस फोर का होल स्क्वायर और फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, इक्वल ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया फाइव एक्स प्लस फोर इंटू, मैं लिख रहा हूं इसे फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है, यही हमें प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस है जो हमने पिछला पार्ट किया था, तो इसमें भी हम लोग बनाएंगे आर वन टेंस टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री वाई प्लस के वाई वाई और ये 3y प्लस के, y प्लस के और ये y और ये y, सॉरी 3y प्लस के और ये y, y प्लस के। सो इसमें मैं क्या करूंगा, 3y प्लस के को ले लेते हैं बाहर कॉमन, सो 3y प्लस के और ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट के अंदर 1, 1, 1 और ये हो जाएगा वाई वाई, वाई प्लस के और ये वाई और ये वाई वाई प्लस के। अब ये थ्री वाई प्लस के इसमें मैं ऑपरेशन लगाऊंगा सी वन टेंस टू सी वन माइनस सी टू एंड c2 टेंस टू c2 माइनस c3, उसके अकॉर्डिंग ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के और ये जीरो और इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो और ये हो जाएगा k बचेगा
और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के और ये 1y प्लस के। अब क्या करूंगा, अब मैं इसे एक्सपेंड कर दे रहा हूं, सो ये हो जाएगा 3y प्लस के। और अगर मैं इसे यहां से एक्सपेंड करूं, सो देखिए टर्म्स क्या बच रहा है डिनोमिनेटर के अंदर, ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस जीरो। सो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के, जो कि किसके इक्वल है, आरएचएस के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था।